हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है CAPP यानी कि कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। यहाँ पे जो टर्म आप देख रहे हैं प्रोसेस प्लानिंग, ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक किसी प्रोसेस का हमको प्लानिंग करना, एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करना या उसकी एक वेल मेंटेन प्लानिंग करना, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस प्लानिंग कराएगा। सपोज अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होनी होगी तो वहाँ ऑपरेशन के दौरान या उस प्रोसेस के दौरान कैसी हमको प्लानिंग पहले तैयार करनी पड़ेगी वो प्लानिंग कहलाती है। तो यहाँ पे एक टर्म आया कंप्यूटर एडेड। इस कंप्यूटर एडेड का मतलब ये है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि हम एक कंप्यूटर के तहत एक हम प्रॉपर प्लानिंग करें, यही हमारा कहलाता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या करते हैं इसके अंदर, चलिए वो समझते हैं। जब हमारा CNC मशीन और DNC मशीन, NC मशीन, ये सारी चीज़ें नहीं आई हुई थी तो हम हर चीज़ मैनुअली करते थे, यानी एक वर्कर होता था जो कि हमारा डिज़ाइन भी मैनुअल करता था, उसके बाद हमारी प्लानिंग भी करता था, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती थी यानी जो हम सिंपली किसी प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन करते थे वो भी हमारा मैनुअल होता था, जैसे हम लेथ मशीन को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जब हमारा CNC और DNC आया, किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना रहता है तो हम CAD की हेल्प से करते हैं, हमको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करनी रहती है तो हम CNC मशीन के तहत हम CAM का यूज़ करते हैं, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का यूज करते हैं। तो जो हम प्लानिंग करते हैं यानी कि जो हमको एक ऑपरेशन तैयार करनी रहती है, उनकी जो हम शीट तैयार करते हैं, एक शेड्यूलिंग करते हैं, वो भी क्यों ना हम कंप्यूटर के तहत ही करें। तो यहां पे जो CAD आया आपका, तो यही कहलाता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। यहां पे हमने CAD का यूज करता था, किस लिए यूज होता था, किसी भी चीज का डिजाइन करने के लिए। इसी के साथ साथ हमारा CAM भी यूज होता था, हमने CNC मशीन और DNC मशीन, NC मशीन, APT, ये सारी चीजें क्या होती है, ऑलरेडी वीडियो इसके हैं आपके पास, तो अगर आप वो चीज नहीं देखे हैं और समझना चाहते हैं इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो CAM में ये होता था हमारा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता था। तो मेरा डिजाइन तैयार किया CAD के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या कोई ऑपरेशन कर रहा हूं CAM के द्वारा, तो जो प्लानिंग करनी होती है मुझे वो भी क्यों ना हमारा कंप्यूटर के द्वारा हो। तो यहां पर आता है मेरा CAPP, यानी कि जो हम रूटिंग तैयार करते हैं कि हमको कौन सा टूल यूज करना है, कितने समय के लिए करना है, क्या डायमेंशन करना है, कूलेंट सप्लाई क्या है, ये सारी चीजें जो ऑपरेशन हम तैयार करते हैं, इन सारी चीजों के जो प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, ये हमारा कहलाता है ऑपरेशन प्लानिंग, या फिर सिंपली इसी को हम प्रोसेस प्लानिंग भी कह सकते हैं। तो प्रोसेस प्लानिंग भी हम इन सारी चीजों को हम कंप्यूटर के द्वारा करेंगे। तो यहां पर CAPP का जो वर्क होता है ये सिंपली हमारा ये करता है कि हमारी जो भी शेड्यूलिंग, रूटिंग, टूल मटेरियल, इन सारों चीजों का वो क्या करता है, एक प्लानिंग तैयार करता है, एक लेआउट तैयार करता है। लेकिन वो हम सारी चीज किसके हेल्प से करते हैं, कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा CAPP भी दो तरीके से आता है, एक होता है हमारा रिट्रायवल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा जनरेटिव सिस्टम। रिट्रायवल सिस्टम क्या होता है मैं यहां पर बता रहा हूं। यहां पर मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा होगी, यानी कि जो हमको प्लानिंग करनी है, अगर जो ऑपरेशंस करनी है, CAD से पहले हम CAPP पे गए, CAPP से हम CAM पे आए, यानी कि पहले डिजाइन तैयार किया, डिजाइन तैयार करने के बाद मैंने एक ओवरऑल एक प्रोटोकॉल तैयार किया कि क्या मेरे को इसके ऑपरेशंस हैं, तो मैंने CAPP के द्वारा किया, और मुझे जो ऑपरेशन करनी है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो ऑपरेशंस करनी है वो मैं CAM की हेल्प से कर रहा हूं। तो यहां पे बात आती है जो ये CAPP है ये भी मेरे दो तरीके से है, एक है मेरा रिट्रायवल सिस्टम और दूसरा आता है मेरा जनरेटिव सिस्टम। तो रिट्रायवल में जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं यानी कि हम कंप्यूटर में प्रोसेस प्लानिंग किए रहते हैं, उस प्रोसेस प्लानिंग की जो डाटा हमने दी रहती है उस डाटा का यूज यानी कि आउटपुट में हम ले लेते हैं इसी एग्जिस्टिंग डाटा से। सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज मान लीजिए आपके ऑपरेशंस चेंज हो गई, आप वहां ड्रिलिंग की जगह बोरिंग करना चाह रहे हैं, तो यहां पे जो मेरी डाटा थी, जो मेरे कंप्यूटर में डाटा थी CAPP के अंतर्गत, वो CAPP उसी डाटा से हम काम कर सकते हैं। तो पहला टाइप तो होता है रिट्रायवल सिस्टम कि यहां पे मुझे किसी भी तरीके का इनपुट से अलग प्रकार का या फिर दूसरे प्रकार का हमारा डाटा इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा उसी एग्जिस्टिंग प्लान से ही, एग्जिस्टिंग डाटा से ही हमारा काम चल जाता है। दूसरा आता है जनरेटिव सिस्टम। जनरेटिव सिस्टम में डाटा स्टोर नहीं रहता है, यानी कि हमारा जो प्लानिंग ऑपरेशन हमने तैयार की रहती है कंप्यूटर के अंदर, तो यहां पे जो भी डाटा रहती है वो जनरेटिव, नाम ही समझ में आ रहा होगा, जनरेट करना, यानी कि यहां पे जो हम इनपुट देते हैं ये डाटा हमारा स्टोर रहता है, ये डाटा हमारा पहले स्टोर होगा और उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट देगा, या फिर जो भी हमारा ऑपरेशंस करनी रहती है वो CAM को वो इन्फॉर्म करेगा। सिंपली एक ये मतलब है कि जनरेटिव में हमारी जो डाटा एग्जिस्टिंग नहीं रहती, वहां पे न्यू डाटा हमको इनपुट देनी पड़ती है, लेकिन रिट्रायवल सिस्टम हमारा ये होता है कि रिट्रायवल में हम पुराने डाटे से ही अपने मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो यहां पे जो मॉडिफिकेशंस है यानी कि जो ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफी आसान हो जाती है हमारा CAPP के तहत। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तब तक शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।